चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सूबे में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां जो है वो परवान चढ़ने जा रही है। 9 जनवरी को जयपुर में राहुल गांधी एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम को राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए शंखनाद माना जा रहा है। आगाज को भव्य बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री गहलोत आज विद्याधरनगर स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पीसीसी में बाबू शोभाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में स्वाइन फ्लू फैल रहा है, सरकार इसे लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाएगा। गहलोत ने सर्दी जुखाम होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। गहलोत ने इस दौरान मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तो गहलोत की क्या खास बातें रही, क्योंकि पीसीसी में बैठक आयोजित की गई थी, उसके बाद जब वो बाहर निकले तब तमाम प्रेस के लोग वहां पर मौजूद थे, सवालों की बौछार हुई थी, तब उन्होंने सभी सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी पर कटाक्ष किया और कुछ बातों को रखा, जिसमें स्वाइन फ्लू भी एक अहम मुद्दा रही। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, हिदायत बरतने की जरूरत है, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि मुझे भी स्वाइन फ्लू हो चुका है और ऐसे में जो टैमीफ्लू दवा है उसका सही वक्त पर सेवन कर लिया जाए और सिम्टम्स को पहचान कर अपना ध्यान रखा जाए। इसके अलावा तमाम और मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहाँ पर राजधानी जयपुर आने वाले हैं, एक बड़ी रैली यहाँ पर होगी और तमाम लोगों से आह्वान किया है कि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। तैयारी पूरी चल रही है, आज हम लोग वापिस जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तैयारी को जायजा लेंगे। लोगों में भारी उत्साह है, राजस्थान भर में किसानों में भारी उत्साह है। किसानों को लगता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट आई है जो किसानों के हितैषी गवर्नमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत भारी संख्या में किसान आएंगे और रैली बहुत कामयाब होगी, ये मेरा कहना है। डॉक्टर्स लोग बहुत इसमें सचेत हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि सर जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुखाम के, उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टैमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर, वो अगर शुरू कर दे तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मुझे खुद को स्वाइन फ्लू हुआ था, मैंने टाइम पे टैमीफ्लू ली, आराम से 5 दिन निकले और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बीजेपी के पास खाली धनबल है, उनके पास नैतिक बल नहीं है, क्योंकि 5 साल तक जो लफड़ी की गई है, 5 साल तक जो कुशासन हुआ राजस्थान के अंदर, 5 साल जो मोदी जी के झूठे वादे हुए थे, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए, इनका जवाब है उनके पास में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, दिया रोजगार उन्होंने, महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम की क्या, लहसुन भी प्याज भी सब सड़कों पे जा रहा है, किसानों की आमदनी बड़ी नहीं है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। जब कुछ उपलब्धि है ही नहीं तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राहुल गांधी बैठे करते हैं, जवाब देते बनता नहीं। इतने बड़े फैसले हमने किए हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकारें कर्जा माफ करेगी, वो हमने कर दिखाया है। लोगों को राहत मिले, आत्महत्याओं की जो बदनामी हुई राजस्थान में भविष्य में नहीं हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम उसी ध्येय को लेकर आगे चल रहे हैं, इसीलिए सीसी बैंक के अलावा भी नेशनलाइज बैंक भी है, भूमि विकास बैंक भी है, ग्रामीण बैंक भी है, इन सब के 2 लाख के कर्ज माफ करने का हमने फैसला किया है। हमारा ध्येय यही है गुड गवर्नेंस देने का, उस दिशा में हम आगे चल पड़े हैं। अभी कैबिनेट मीटिंग जब होगी तब सबके राय से फैसले होंगे, अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बीजेपी राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये तो एक खुला है, हो सकता है कि ऐसे घोटाला और सामने आए। और सीधे रुक कर लेते हैं विद्याधरनगर स्टेडियम का, जहां से हमारे सहयोगी दिव्य गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्य, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से और कितनी देर बाद मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे?
जी देखिए, आपको बता दूं कि जो 9 तारीख को राहुल गांधी का यहाँ पर जयपुर में जो दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर यहाँ विद्याधरनगर स्टेडियम में जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पे उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सुबह हमने जिस तरीके से लाइव दिखाया था उससे और अभी की अगर बात करें तो जो तैयारियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर जो पांडाल और डोम का जो जायजा है वो बनाया जा रहा है, पूरा यहाँ पर खाका बनाया जा रहा है। इसके साथ में ही यहाँ पर अब सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही एसपीजी के जो जवान हैं, एसपीसी सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे आ चुकी है और वो लगातार उनकी निगरानी में ही ये सारे कार्यक्रम को किया जा रहा है और वो हर एक बारीकी का बहुत गहनता से सिक्योरिटी जांच कर रही है, सिक्योरिटी चेक कर रही है। इसके लिए यहाँ पे एसपीजी के भी 3-4 जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में यहाँ पे डटा हुआ है, अपनी पूरी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे निभा रहा है। चाहे लेबर की बात हो, चाहे सामान की बात हो, हर चीज़ का बहुत बारीकी से चेक करने के बाद में उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और इसके साथ में चाहे डॉग स्क्वाड दस्ता हो, चाहे एसएसबी के दस्ता हो, वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे आ रही है और जो जांच सिक्योरिटी के चलते जो जो जांच होनी चाहिए, जो जो हो सकती है, वो तमाम तरह की जो जाँचें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पर जो पुलिस के आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बातचीत की जा रही। हालांकि वो कुछ बोलने से बच रहे हैं अभी कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इस लिहाजा इस तरह उनसे बातचीत अभी नहीं की जाएगी। उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की थी सुरेश कुमार जी से, लेकिन मीडिया को टालते हुए नज़र आए। लेकिन बात यही इन्हीं सब चीज़ों की बात समझ में आ रही है कि जो राहुल गांधी का जो दौरा है उसको लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है और तंदुरुस्त होते हुए अपना काम वो पूरी बारीकी के साथ में कर रहा है। सभा स्थल में पूरी तरीके से जो तैयारियाँ हैं वो अपने चरम पर हैं, लेकिन अशोक यहाँ पर रखा गया है तो ऐसे में जरा जानकारी दीजिए कि अभी कौन कौन से पांडाल जो है फिलहाल वो पूरे हो चुके हैं, उसकी तैयारी पूरी हो गई है और 3 बजे के करीब यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमाम यहाँ पर नेता भी आएंगे, दिग्गज आएंगे इसका दौरा करने के लिए। तो कौन सी ऐसी जगह है जिसे सबसे पहले दिखाया जाएगा उन्हें? जी देखिए, जहाँ तक बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उनके यहाँ पे 3:30 बजे के आने की सूचना है। 3:30 बजे के लगभग वो यहाँ पे आएंगे और ये जो पूरी जो तैयारी है इन सब तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। दूसरी बात, आपने पूछा कि वो कौन सा पांडाल है जहाँ पे वो तैयारी की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूर्त रूप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। सभी जो चीज़ है वो अनफिनिश्ड रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन को माना ये जा रहा है शाम तक किसी ना किसी, चाहे हम डी की बात करें जो कि जहाँ पे सुरक्षा घेरे को बनाया गया है, चाहे हम पांडाल मंच की बात करें, तो ये जो मंच है वो शाम तक सुनने में ये आ रहा है कि कारीगरों के द्वारा यहाँ पे ये बना दिया जाएगा। और ये जो हम जिस समय जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हैं ये वही डी का एरिया है जहाँ से राहुल गांधी पूरी जो जयपुर की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, उसको संबोधित करेंगे। तैयारियों की बात है, तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन अभी इस किसी भी चीज़ को यहाँ पे फाइनल टच नहीं दिया गया है। सभी यहाँ पे रॉय स्टेज में अभी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के संगठन के जो लोग हैं, वो यहाँ पे समय पे आते जा रहे हैं और उस तैयारी को देखते जा रहे हैं, उसका जायजा लेते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है, हमारी रैली को, इस सभा को ऐतिहासिक बनाना है और उसकी ऐतिहासिक तैयारियां भी दिव्य यहां पर चल रही हैं। अच्छा दिव्य, जरा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने पूरा दिखाया है कि किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और अशोक गहलोत तो यहाँ पर आएंगे, साथ में और कौन कौन से लोग हैं जो उनके साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसका दौरा यहाँ पर करेंगे? जी देखिए, अशोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में कई मंत्रीगण यहाँ पे आ सकते हैं, कई उनके साथ में कई MLA हैं और साथ में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे साथ में तैयारी के जायजे के साथ में आ सकते हैं। और जिन जिन संगठन के भी जिन जिन पदाधिकारियों को या मंत्रिमंडल में की बात करें, जिन जिन मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में यहाँ रहेंगे और जिन्हें जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, तो जो तमाम जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में यहाँ रहेंगे और मौके पे मुख्यमंत्री अशोक, हो भी सकता है कि मौके पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयारियों के क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है, 9 तारीख को राहुल गांधी को यहाँ पर पहुंचना है और इसलिए कह सकते हैं कि अब तैयारियों को ज्यादा से ज्यादा निपटाने की कोशिश हो रही है और खासतौर पर फोकस कहें कि VVIP मूवमेंट पर।
हाँ जी बिल्कुल, वीआईपी मूवमेंट पे भी प्रशासन का ध्यान है। प्रोटोकॉलिक जो अफसर हैं उनको नियुक्त किए जा चुके हैं, उनको अपना काम दिया जा चुका है और अपने प्रोटोकॉलिक सिनेरियो के हिसाब से वो उन वीआईपीज को यहाँ पे रूट बनाएंगे। उनका जो कारपेट है वो वहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस तरह की जो तमाम जो तैयारियाँ हैं वो प्रशासनिक स्तर पर पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब उन्हें मूर्त अमली जमा पहुँचाना पहनाना यहाँ पे बाकी है। लेकिन अगर यहाँ की भी बात करें, यहाँ पे भी जो चूँकि बहुत कम समय रह गया राहुल गांधी की यात्रा के लिए यहाँ पे सभा के लिए, तो अब जो काम में जो जल्दी और जो तेजी आएगी उसके वो अब यहाँ पे खासा देखी जाएगी। शाम तक यहाँ पे है बहुत अच्छा और बहुत कुछ ज़्यादा काम यहाँ पे होने की उम्मीद है। बिल्कुल दिव्य, और क्योंकि मौसम भी बार बार आंख मिचोली यहाँ पर खेल रहा है, तो क्या ये भी कहें कि वाटरप्रूफ टेंट्स बनाने की भी तैयारी है, वहाँ पंडाल की किस तरीके से व्यवस्था हो रही है? जी देखिए, मौसम की बात है तो मौसम सुबह से लेकर शाम तक की जो मौसम की आँख मिचोली है वो यहाँ पे राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। सुबह और शाम की जो तेज़ ठंड सर्द हवाओं के साथ में जहाँ पे मौसम के तापमान में कमी होती है, वहीं पे 10 बजे के बाद में जब धूप में चुभन या सूर्य देवता अपने चरम पे आने की कोशिश आने पे रहते हैं और उस धूप से जो प्रदेश में जो ताप सूरज की गर्मी से जो तापमान में जो वृद्धि होती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि होने से जो मौसम की जो ठंडक है वो कहीं ना कहीं कम देखी जाती है। और रही बात पांडाल की, तो पांडाल में सारे ही जो टेंट है वो वाटरप्रूफ बनाए जाएंगे। अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज को भी पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अगर एंड टाइम पे कोई बरसात आती है बारिश आती है तो उसको कहीं ना कहीं कोई विघ्न कोई बाधा या किसी तरह की कोई अड़चन ना पैदा हो। इसको लेकर जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, टेंट की जो मालिक है उनको बता दिया गया है कि मौसम के अनुसार मौसम के अकॉर्डिंग पूरी व्यवस्था रखें, एंड टाइम पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था बाधित नहीं हो जिससे कार्यक्रम में कोई दिक्कत आए। चलिए ठीक है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ही जानकारी देने के लिए। आपसे भी आगे हम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि 3:30 बजे का वक्त आपने भी बताया है कि लगभग जब अशोक गहलोत यहाँ पर आएंगे तमाम संगठन के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर होंगे और वो अधिकारी और वो नेता भी होंगे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस पांडाल को सजाने के, इस सभा स्थल को सजाने की, क्योंकि ऐतिहासिक रूप दिव्या यहाँ पर देखने की हम खुद देख भी रहे हैं क्योंकि बात बार बार बोल रहे हैं कि ये रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी। लेकिन क्या खास इस दौरान देखने को मिलेगा, राहुल गांधी जब संबोधित करेंगे क्या खास सुनने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।